बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ हरीश हबीब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे सोबतपुर से, जहाँ पर तहसील से कनरानी में यूसी कनरानी कौंसल नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों ने आवाम से अपील कर दी। यूसी कनरानी कौंसल नेशनल पार्टी के उम्मीदवार मीर जाफर खान कनरानी वार्ड नंबर 2 नबी दोस्त कनरानी की गयूर आवाम से अपील के 29 मई को याद करें, तकाबिल निशान आ रही है, 29 मई को अपना कीमती वोट देकर आरी को कामयाब बनाएं, मुझे वोट देकर फरसूदा निज़ाम को तब्दील करने के लिए हमारा साथ दें। चुआ सदन शाह सफेयर शामिल करेंगे। अगर विजिटिंग के लिहाज से बात की जाए तो चुआ सदन शाह में मौजूद श्री कटास राज मंदिर तारीखी अहमियत का हामिल है। टास के मेन गेट पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। लोगों ने विजिट के दौरान कटास के मशहूर होटल से खाना भी खाया और अपने बच्चों को भी साथ जाके खिलाया, जबकि चुआ सदन शाह की ट्रैफिक पुलिस ने रोड पर काफी सख्ती से इकदाम भी किए। पुशाव में एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के अहतमाम नेशनल फायर फाइटर डे मनाया गया। इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने कहा कि 4 मई का दिन उन अजीम लोगों फायर फाइटर्स की याद में मनाया जाता है जो हमारे जान माल के तहफ़ के लिए सारी नाक से लड़ते हैं और अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं। इंटरनेशनल फायर डे के मौके पर रेस्क्यू ऑफिस में शोहा के लिए दुआ भी की गई। मंजू बहादुर सफेयर शामिल करेंगे, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने ईद के दूसरे दिन पेश की हॉस्पिटल का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने ईद उल फितर के दूसरे रोज भी पेश की हॉस्पिटल दारुल अमान और डिस्ट्रिक्ट जेल का विजिट किया। हॉस्पिटल के दाखिल मरीजों की आयादत की और मिठाइयाँ भी तकसीम की। इनसे तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। इन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया की खुशियों में उनके साथ है और वो जल्द सेहत याब होकर घर वापस जाएंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और बच्चों में तहाय भी तकसीम किए। कराची से फिर शामिल करेंगे, जहां पर मलेर में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। रिपोर्ट करिए NAN24 की रिपोर्टर कमल किरण। जी कमल किरण बताइए। जी सीनियर जनरलिस्ट इफ्तखार अहमद ऐवान ने अताई डॉक्टरों के खिलाफ मलेर बार में पिटीशन दायर कर दी। इफ्तखार अहमद ऐवान का कहना है कि इन अताई डॉक्टरों के पास कोई मुस्तनद डिग्री मौजूद नहीं है, मुख्तलिफ इदारों को रिश्वत के एवज खरीद कर सरेआम आवाम की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। DC मलेर, DHO हेल्थ मलेर, SSP मलेर को बताने का मकसद अननान तजर्बा नान डिग्री होल्डर्स डॉक्टरों को इस घिनौने काम से रोकना है। इफ्तखार अहमद ऐवान ने मजीद बात करते हुए कहा कि मैं बहुत जल्द अनताई डॉक्टरों के खिलाफ आवाम को रोडों पर लाऊंगा, इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ FIR दाखिल करवाऊंगा, इनके क्लिनिक सील करवाऊंगा और इन अताई डॉक्टरों को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। NAN24 न्यूज़ SG कमल किरण कराची। जी कमल किरण बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।